झारखंड सरकार के किसी मंत्री ने लगाया जनता दरबार। देवघर परिसदन में झारखंड सरकार के किसी मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने जनता दरबार लगाया। विभिन्न जगहों से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को उन्होंने सुना, साथ ही उनके समस्याओं का तुरंत हल निकालने का प्रयास किया। मंत्री जी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही मेरी पहले प्राथमिकता है, इसलिए जनता ने मुझे चुना है। देवघर के साइबर थाने ने 8 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। देवघर एसपी श्री धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में देवघर साइबर थाना ने जिले की 3 थाना मोहनपुर, मधुपुर और मार्गोडुंडा क्षेत्रों में गहन छापामारी कर कुल 8 साइबर अपराधियों को पकड़ा। इन साइबर अपराधियों के पास से 1,90,000 रुपये नकद समेत 21 मोबाइल, 27 सिम कार्ड, 6 एटीएम और 2 चेकबुक बरामद किए गए। ये सभी साइबर ठग नकली बैंक अधिकारी बनकर इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ठगा करते थे, जिनकी लगातार शिकायत मिलती रहती थी। विभिन्न राज्यों के पुलिस को इनकी तलाश थी। जसीडीह रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास सुविधा से होगी लैस, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी मंजूरी। देश के 109 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसमें जसीडीह का भी चयन किया गया है। इस योजना से आने वाले समय में यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्राप्त होगी। सूचना भवन के सभागार में हस्तशिल्प चौपाल का किया गया आयोजन। मंगलवार के दिन सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में हस्तशिल्प चौपाल का आयोजन किया गया। देवघर जिला उपायुक्त ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। जिला उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि देवघर मार्ट वेबसाइट को जल्द लॉन्च किया जाएगा। इससे देवघर जिला से जुड़े सामग्रियों के साथ लघु कुटीर उद्योग, लोहारगिरी उद्योग, मिट्टी के बर्तन, सिलाई कढ़ाई, बैम्बू उद्योग, लाह एवं चूड़ी उद्योग एवं अन्य सामानों को लोग ऑनलाइन माध्यम से खरीद व बेच पाएंगे। देवघर मार्ट से जुड़ने के लिए JSLPS की दीदियों द्वारा एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित सामानों की सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उच्च गुणवत्तापूर्ण सामानों की सूची तैयार करें तथा जल्द से जल्द सूचीबद्ध कर ऑनलाइन करने का प्रयास करें, जिससे यहाँ के लोगों को उचित बाजार और साथ ही साथ उनकी अच्छी मूल्य मिल सके। झारखंड बोर्ड के 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में होगी 25% की कटौती। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर श्री शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि इस बार पहली से 12वीं तक के कक्षा के सिलेबस में 25% की कटौती की जाएगी। तैयारी प्रारंभ हो गई है, इस महीने के अंत तक सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। नए सिलेबस के आधार पर पहली से 12वीं तक के परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।